वो साला कुत्ता फिर से आ गया सर। स्टेशन से लेके आया ना तो मुझे, अगर वहां ले जाके तेरी धुलाई ना की तो मेरा भी नाम ठाकुर नहीं। भौंक मत, क्या पोजीशन है सर? 24 माले पे। तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? सर डर है कहीं वो उन तीनों को नुकसान ना पहुंचा दे। मिश्रा जी। सर। सर तुमने उससे बात करने की कोशिश की? की, मगर वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। यशवंत को मोबाइल पे फोन लगाओ। सर बोलो। कमिश्नर आदित्य। आदित्य देखो, तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त उन तीनों को छोड़ दो और नीचे आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे जो होना था वो तो हो चुका, अब बारी इनकी है। जब तक ये मेरे भाई के खून का जुर्म कबूल नहीं कर लेते, इन्हें यही रहना होगा। बेवकूफ मत बनो आदित्य। देखो, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अदालत ने जो सुना वो आधा सच था, पूरा सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, समझे? और अगर तुमने, अगर आपके किसी आदमी ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। बेटी, आदित्य को मैंने ट्रेन किया है और मैं जानता हूं कि जब तक वो एसीपी और उसके साथी उसकी बात नहीं मान लेते, वो तीन तो क्या पूरी पुलिस फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पापा, वो लोग उसके सामने झुकेंगे क्यों? फौजी अपनी जिद पर आ जाए तो दुश्मन देश का झंडा झुका सकता है, और फिर ये तो तीन पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले जिन्होंने उसके भाई का खून किया है। लेकिन इस पे कियानो श्रीवास्तव बेकसूर है और तूने इन दोनों के साथ मिलकर उसका खून किया है। पागल हो गया तू। चल एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तेरे इन कागजों पे दस्तखत कर दिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे फांसी हो जाएगी? अब सारी दुनिया जानती है कि तूने हमें बंदी बना रखा और तेरे हाथ में है बंदूक। सब समझ जाएंगे कि तूने बयान जबरदस्ती लिखवाया है। मुझ पे ऑर्डर चलाना बंद कर और अपनी फिक्र कर। देख, आ गए तेरे बाप लोग।
अगली बार ये गलती हुई तो मैं एक एक करके तीनों को नीचे फेंक दूंगा। सर ये उससे बात करना चाहती है। आदित्य फोन कट मत करना, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आदित्य मैं बोल रही हूँ, पायल। तो अब ये तुम्हें हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आदित्य, मैं तुम्हें बस। ये जंग मैं अपने भाई के माथे पे लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए लड़ रहा हूँ और वो मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी माँ शुका है, मान ले उसकी बात और दोनों हाथ उठा के अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, शायद तेरी जान बच जाए। जिन लोगों से तू पंगा ले रहा है ना, स्पेशल फोर्स के लोग, तुझ तक पहुंचने के लिए वो आसमान से भी रास्ता बना सकते हैं। तक तुम लोग अपने जुर्म का इकबाल नहीं करोगे, तुम पुलिस वालों का यही हाल होता रहेगा। बता सच क्या है? हे क्या कर रहे तू? हमको मारेगा तू भी नहीं बच पाएगा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, पर तू आखिरी बार सोच ले, अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं। हे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अब तेरी बारी है। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो तो जैसा एसीपी साहब ने कहा वैसे ही हमने किया सर। तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी, वो तो भाई मर गया था पुलिस स्टेशन। मैं क्या बकरा है, दिमाग खराब हो गया कि तेरा? मुझे बोलने दीजिए सर, देखा नहीं आपने उसने यादव को गोली छोड़ा दिया? और फिर एसीपी साहब ने उस लड़की से कहा कि वो उसे साथ बिठा कर गाड़ी में ले जाए। हम लोग तो पीछे पीछे थे दूसरी जीप में, और इनके कहने पर हमने झूठा एनकाउंटर करके उस पर गोलियां चलाई। इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। वो तो बेकसूर था वो। हाँ अब मैं जाऊं। आदित्य मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आदित्य प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। प्लीज सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं लिफ्ट नीचे भेजता हूँ। सर आपका काम हो गया मिस पायल, ले जाओ मैडम को। सर ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आपने मुझे इस्तेमाल किया, आप आदित्य को धोखा नहीं दे सकते कमिश्नर। आई एम सॉरी कमिश्नर। प्लीज चलिए आप।
देख मुझे मत मार, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे मत मार। मैंने मारा था तेरे भाई को। देखो क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा। बस सुबह चलती थी साले की, बोलती बंद कर दी मैंने, बोलती बंद, और मार के जान निकाली है साले की, फिर बीच सड़क पे ले जाके कुत्ते की तरह दोबारा गोलियां दाग दी साले के सीने में। और कौन बोलेगा ये अदालत पे, महमूद भाई का तो हमने उड़ा दिया, यादव को तूने मार दिया, रहा सावंत। तू, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। इसने यादव और सावन को मेरे सामने मारा सर, और ये मुझे ही मार डालेगा। शूट हिम सर, शूट हिम। मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोलता है सर, इसने मेरे आंखों के सामने यादव और सावन को मारा है, झूठ बोलता है सर ये। सर मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इसके हाथ छोड़ दो। मैंने यादव को तो नहीं मारा, पर इसने सावंत को मेरी आंखों के सामने मारा है। हे, क्या कर रहे तू? हमको मारेगा तो तू भी नहीं बच पाएगा। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो तो जैसा एसीपी साहब ने कहा वैसा ही हमने किया सर। तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी, वो तो भाई मर गया था पुलिस स्टेशन में। क्या बकरा पे दिमाग खराब हो गया कि तेरा? इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था कमिश्नर साहब, अगर इन्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। मैंने जो कुछ भी किया अनुज को बेकसूर साबित करने के लिए किया है। इन्हें सजा मिलने से मेरा अनुज वापस तो नहीं आएगा, मगर कई बेगुनाह बच जाएंगे। इनके किए की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, और तुम्हारा भाई अनुज बेगुनाह साबित होगा। ले चलो इन्हें, चलो।